तो गाइज आज है 27 नवंबर, यानी कि आज है कोलकाता डर्बी डे, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया की, एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फुटबॉल राइवलरी में से एक कोलकाता डर्बी। इट इज एटीके मोहन बगान वर्सेस एससी ईस्ट बंगाल, आज वो मैच है और इसके बारे में सारी जानकारी और अपने प्रेडिक्शन में आपको आज बताऊंगा। पर गाइज उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक महान फुटबॉलर जो आज हमारे बीच में नहीं है, सर डिएगो मैराडोना। और मैं आपको बता दूं गाइस, गोल ऑफ द सेंचुरी ले लो, हैंड ऑफ द गोल ले लो गाइस। गाइस वैसे तो इतने महान प्लेयर के बारे में मैं कौन होता हूं बोलने वाला, पर गाइस ही इज द लेजेंड ऑफ द गेम, जिसने आज तक इस ब्यूटीफुल गेम को खेला, और इससे महान खिलाड़ी नहीं मिलेगा आपको गेम के लिए सब कुछ करने वाले। जिस टाइम पे अच्छी ग्रास नहीं होती थी, खुरदरे ग्राउंड्स पे बिना सेफ्टी के और हार्ड टैकल्स, हार्ड गेम्स और ना कोई प्रॉपर रेफरिंग सिस्टम, उसके बावजूद उन्होंने अकेले गेम को रूल किया। किस तरीके से उन्होंने एक पूरा डिफेंस अपने साथ लेके जाते थे और गोल करके आते थे गाइस, वीडियोस देखने का भी मजा आ जाएगा गाइस। और इस टाइम पे हमें रियलाइज होता है गाइस कि मेसी रोनाल्डो जब हम राइवलरी कंपेयर करते हैं तो गाइस ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें फुटबॉल एंजॉय करना चाहिए। तो इसलिए गाइज मैं आपको बोलता हूँ नेवर कंपेयर लेजेंड्स, हमेशा गेम को एंजॉय करो। और गाइज ये उदास होना बनता है क्योंकि 60 साल की उम्र सिर्फ हमारे बीच में वो नहीं है, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड ने एक महान खिलाड़ी को खोया है। पर गाइज एज यू ऑल नो, लेजेंड्स नेवर डाई और बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स है उनकी, सभी उनके फैन है गाइज, जो भी फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जो नहीं भी करते वो भी। इसीलिए गाइज इसीलिए आज अर्जेंटीना का जर्सी आज मैं डाल के आया हूँ। तो गाइज आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और गाइज जैसा कि आपको पता है कल केरला ब्लास्टर्स वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मैच 2-2 पे ड्रॉ रहा, और वहां पे भी बहुत अच्छा जेस्टर इंडियन सुपर लीग की तरफ से, 1 मिनट का उनके लिए मौन रखा गया। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आईएसएल के सबसे बड़े मैच की, इंडिया के, एशिया की हिस्ट्री के, वर्ल्ड की हिस्ट्री के सबसे बड़ी डर्बी कोलकाता डर्बी की। और ये मैच खेला जाएगा एटीके मोहन बगान वर्सेज ईस्ट बंगाल के बीच में, और ये मैच 7:30 बजे शाम को खेला जाएगा। आप इसको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, इसके अलावा जियो टीवी, डिज्नी प्लस, स्टार, वीआईपी भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास ये सब नहीं है तो ये जो जुगाड़ मैंने आपको बताया था, ये रहा उसका लिंक, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम नहीं है या फिर आपके पास डिज्नी हॉटस्टार नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो उस पर आप देख लेना, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो गाइस मैच बहुत टक्कर का होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा, पर फिर भी मैं इस वीडियो के एंड तक अपना प्रेडिक्शन करने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की, हम बात करेंगे मेनली इंडियन प्लेयर्स की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मोहन बगान अपना पहला मैच खेल चुके हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट मैच केरला ब्लास्टर को बीट किया था 1-0 से, और उसमें रॉय कृष्णा ने बहुत शानदार गोल स्कोर किया था गाइस। तो गाइज यहाँ पे एक मैच खेल चुके हैं एटीके मोहन बगान, यानी कि उनको हल्का सा एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो फेमिलियर हो चुके हैं कंडीशन से, भी लॉकडाउन के काफी टाइम बाद आके ग्राउंड पे उतरे थे तो उनको थोड़ा सा फेमिलियर है एज कम्पेयर टू ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल लॉकडाउन के बाद अपना पहला गेम यहाँ पे कम्पिटेटिव खेलने वाली है, तो गाइज देखते हैं कैसा होता है। बाकी हम प्लेयर्स की बात कर ले तो गाइज प्लेयर्स ईस्ट बंगाल में देखने वाले प्लेयर्स हैं गाइज, जेजे लाल पेकलुआ ग्राउंड पे वापसी करने वाले हैं, बहुत टाइम बाद, काफी टाइम से इंजर्ड चल रहे थे और जेजे लाल पेकलुआ पे मेरी नजर रहेगी गाइज। इसके अलावा गाइज बलवंत राय, सीके विनीत, हरमनप्रीत सिंह, अनिल चौहान, मोहम्मद रफीक, देवजीत माजुमदार, शंकर रॉय, मोहम्मद रफीक अली, ये कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो आपको इंप्रेस कर सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं एटीके मोहन बगान की। तो गाइस अगर आपने फर्स्ट मैच देखा था मेरे साथ तो आपको पता है कि कितना हाई प्रेस कर रहे थे एटीके मोहन बगान, और इस चीज का उनको फायदा मिला और काफी प्रेशर में थे, केरला वाले बॉल हैंडल नहीं कर पा रहे थे उनके प्रेस की वजह से। और गाइस जो प्लेयर्स आज आपको इंप्रेस कर सकते हैं मोहन बगान के, वो है संदेश झिंगन, प्रबीर दास, प्रीतम, प्रणॉय हल्दर, सुसाई राज, और आपको पता ही है गाइस अनिर्दम इनके गोलकीपर, और गाइस रॉय कृष्णा को आप कैसे भूल सकते हो, फर्स्ट गोल फॉर मोहन बगान इन द हीरो इंडियन सुपर लीग, और बहुत सही गोल था गाइस, बहुत तगड़ा गोल। और यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन ये है मोहन बगान आज जीतने वाली है 2-1 से, हालांकि जेजे लाल पेकलुआ यहाँ पे कमाल कर सकते हैं, पर फिर भी एज ए टीम अगर आप देखा जाए तो मोहन बगान ने बहुत तगड़ा प्रेस किया था। बाकी ईस्ट बंगाल का आईएसएल में अभी तक हम परफॉर्मेंस देख नहीं पाए हैं, फर्स्ट मैच भी होगा, हल्का सा प्रेशर रहेगा, और देखा जाए तो मोहन बगान पहले ही एक मैच खेल चुके हैं तो हल्का सा उनको इजी रहने वाला है यहाँ पे। तो गाइस देखते हैं, आप अपना प्रेडिक्शन जरूर देना, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।